भारतीय संस्कृति में जब दाह संस्कार होता है तो उस स्थान पे महिलाओं का जाना वर्जित होता है। ऐसे में एक ऐसी महिला जिन्होंने हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसा काम किया जिसे देश और विदेश में उनकी ख्याति प्राप्त है। इस समय हम मौजूद हैं महाराजिन बुआ के इस मूर्ति के पास प्रयागराज में स्थित। हमारे साथ हैं उनके पुत्र। हम उनसे उनके बारे में जानेंगे, उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे, उन्होंने ऐसा क्या काम किया, क्या सामाजिक संदेश दिया। महिलाओं को तो निकलना भी बाहर था और ये एक दृढ़ संकल्पित महिला थी। अच्छा। पिता की मृत्यु के बाद जब ये आई है मैदान में इस कार्य करने के लिए, एक समाज सेवा को अपने धरोहर समझ कर अच्छा। एक संकल्प लिया और संकल्प के साथ ही मैदान में अपनी कार्य करने के लिए विद्रोह भी बहुत हुआ इनका। एक पंडितों ने विद्रोह किया, बाद में वही पंडित सब हाथ जोड़ कहने लगे कि नहीं आप सक्षम है, आप कर सकती है, आपकी है। हमारे समझ से लगभग 10-11 लाख लोगों का संस्कार कराया है और 80 साल में 80 साल में 11 लाख लोगों का दाह संस्कार 80 साल जी। ये विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने ये कार्य को अपने हाथ में सौंपा, ये दायित्व को। कैसी प्रक्रिया थी उसके विषय में बताएं। जब वो यहाँ पे आई होंगी, अगर इस जगह पे आई होंगी, तो जो परिवार का एक माहौल रहा होगा तो कैसे परिवार के लोगों ने मना किया होगा और क्या क्या घटना रही, उस घटना के बारे में बताइए। सब लोगों ने मना किया था कि कहे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय वाले आपको बताया ना, दृढ़ निश्चय थी इनको समाज के लिए एकदम आगे अग्रदान करना था कि किसी भी तरह हमें काम करना है। ये जिन यहाँ बिलखते लोग रहते थे, रोते लोग रहते थे, उनके साथ साथ ये कार्य उनका कराने लगती थी। यहाँ तक कि जितना वहाँ से जो प्रक्रिया होती है बंधन का, ले आने का, जाने का, लाश जलवाने का, सारी प्रक्रिया ही करती थी। उसके बदले में वो क्या अपेक्षा रखती थी? अपेक्षा कुछ नहीं रखती थी, वो सारा संसार जानता है। जिसने कुछ दे दिया ब्राह्मण के रूप में कि लीजिए बुआ जी आती है, लीजिए थो ले लेती थी, अन्यथा किसी को मांगती नहीं थी। आज भी चर्ची तो विश्व में ही है कि कभी हमारे घाट में कभी मांगा नहीं जाता। और एक दृढ़ निश्चय उनका था कि इस कार्य को हम किस तरह संपूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करें। जो गरीब है, जो दलित है, जिनके पास कुछ नहीं है, 500 पैसा लगा के करते थे। बहुत ही सुंदर नाम है ये महाराजिन बुआ, ये नाम उनको मिला या फिर कैसे? श्रीमती गुलाब महाराजिन बुआ जी। अच्छा। श्रीमती उनका नाम गुलाब महाराजिन था, जिस तरह गुलाब थी वो नाम उनका था, उस तरह गुलाब थी। अच्छा। इतनी खूबसूरत सुंदर भी थी बहुत। अच्छा अच्छा। लोगों के बीच में चाहे वो मिनिस्टर जी हों, चाहे वो GM जी हों, चाहे जो भी हों, लेकिन सब उनका सम्मान करते थे। अच्छा। और सब उनको बुआ कहते थे, यहाँ तक कि केशवनाथ त्रिपाठी जब विधानसभा अध्यक्ष थे उनको सम्मानित बुआ जी के नाम से किया। अच्छा। कहा जवाहरलाल नेहरू चाचा हैं। अच्छा। लेकिन विश्व बुआ है। अच्छा। हिंदुस्तान अकेडमी में सम्मान दिया था, हिंदुस्तान अकेडमी में सम्मान मिला था। तो वो एक कार्य को बहुत उचित ढंग से और बहुत निर्वाह करके करती थी। अपना पैसा भी अगर कहीं लगना है तो तुरंत लगाती जाती थी, कहीं उनको मन में वो नहीं था कि हमको मिलना है, ये क्या करना है, ये आपकी इच्छा नहीं थी। आप उनके पुत्र हैं? सबसे छोटे पुत्र। आप सबसे छोटे पुत्र हैं। 12 साल की अवस्था में उन्होंने ये कार्य किया तो 8 साल की अवस्था से हमको साथ में फिर मिली। अच्छा। 8 वर्ष की आयु से आप भी माता के साथ जुड़ गए। तब दारागंज घाट पे समझ लीजिए, तब दारागंज था, दारागंज में बड़ी लड़ाई दंगा होती थी, सब पंडे वगैरह काफी वर्चस्व का था। ये सब करती मतलब जैसे जहाँ पे आ जाए बात जिम्मानों की या उनके खींचने तानने की या उनसे जबरदस्ती वसूल करने की, वहाँ सबसे आगे रहती थी। बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इनका इतिहास देखिए, इंडिया टुडे वगैरह में सब में बहुत बड़ा इतिहास निकला। सब में ये बिल्कुल मानती नहीं थी। अच्छा। किसी से निकलवाने या किसी से खींचना तानना बिल्कुल इनको पसंद नहीं था। अब हम जहाँ बैठे हैं उसके पीछे ये मूर्ति है जी, इसके विषय में बताएं इसकी क्या योजना है, क्या है? योजना ये है कि उन्होंने ये संदेश हमें कहा कि मूर्ति का हम तो अनावरण कराना चाहते हैं योगी जी से। अच्छा। केशव भैया भी आ रहे, केशव भैया हमारे यहाँ के हैं ही सांसद थे, तो वो मूर्ति अनावरण हम योगी जी से कराना चाहते हैं। और वो अपने जीवन में एक असहाय आश्रम से हमारे लिए कहा था कि एक असहाय आश्रम खोलना जो गरीबों के लिए मुफ्त लकड़ी, मुफ्त भोजन, आने जाने की किराए की व्यवस्था बेटा कराना चाहे भी कौन कितना करना।